हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, वो कैंडल वैक्स रीडिंग है, ठीक है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसमें मैंने टॉपिक लिया है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए। आप जितना आपसे रेजोनेट करे, जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले बता दूँ कि छोटी सी जानकारी, एक तो मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बीच बीच में आपको बहुत हथौड़ा मारने की जैसे कि आवाज़ें आएगी, तो प्लीज़ बेयर विद मी। और इसके अलावा मैं यहाँ पे भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर है मेरा, उस पर जाके मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, बिल्कुल अफोर्डेबल चार्जेस हैं, ठीक है। मैं फुल रीडिंग करती हूँ, एक या दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ, तो जो अमाउंट है उसमें फुल रीडिंग आपको मिलेगी। और आप ही के व्हाट्सअप नंबर पर एक वीडियो मैं बना के भेजती हूँ, ठीक है। उसमें सामने ही शफल करती हूँ कार्ड्स, और इस तरह की मेरी पर्सनल रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। आउटकम तक मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू भेजती हूँ, ठीक है। तो इस तरह की मेरी पर्सनल रीडिंग्स होती हैं। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए चेक ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और जैसे कि मैंने बताया, मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हथौड़े की आवाज़ ज़रूर आएगी आपको बीच में, ठीक है। तो प्लीज़ बेयर विद मी, मेरे साथ इन्जॉय कीजिएगा उस हथौड़े की आवाज़ को भी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस, ओके। मैं चाहूँगी कि जब मैं आपको ये कैंडल जलाऊँ, उससे पहले आप अपने पार्टनर को मेडिटेट करें, अच्छे से सोचें उनको, जिस तरह भी आप हमेशा से उनको सोचते आए हैं, ठीक है। जैसी आपकी मतलब जनरली आप जिनको जैसे याद करते हैं उसी तरह याद कीजिएगा, ठीक है। और उनका नाम लीजिए, ठीक है, मन में, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कैंडल वैक्स रीडिंग, ओके ओके गाइस, रेडी। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार साइन की बात कर लूँ तो मुझे कोई मीन राशि का दिख रहा है, ठीक है। वाह, सन की ऊर्जा मुझे दिखी, सन का बिल्कुल क्लियर मैसेज मुझे यहाँ पे आया है, कोई सन की तरह क्लियर है आपके लिए, ठीक है। कोई लियो हो सकता है, ठीक है, सिंह राशि, मीन राशि, ठीक है, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, ठीक है, और सजिटेरियस। आज बहुत सारी राशियाँ मुझे यहाँ पे दिख रही है, सजिटेरियस है, कैंसर है, ठीक है, पाइसिस मैंने बोला ही आपको, टॉरस भी है, वर्गो भी है हमारे पास, ठीक है, कन्या राशि, ठीक है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि एक्वेरियस, कुंभ राशि, बहुत दो दो बार कुंभ राशि नज़र आई है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, और कुछ लोगों के लिए देखिए धनु राशि भी है, सजिटेरियस, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो भी है, ठीक है। कुछ नेम के इनिशियल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ए एम एन पी वी बी एस आर, लिब्रा भी मुझे यहाँ पे बहुत से स्ट्रांगली लग रहा है, कोई लिब्रा है, ठीक है। ये आज बहुत सारी राशियाँ यानी कि बहुत लोगों से मैच करेगी आज की रीडिंग। तो एनर्जीज मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले क्या चल रहा है आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, हथौड़े की आवाज़। लिटरली मैंने कहा था जैसे, प्लीज़ बेयर विद मी, ठीक है। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए कोई एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। मुझे इनके जो मतलब क्या है कि अंदरूनी तौर से ये बहुत अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं, लेकिन ये आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि ये बहुत एक्टिव हो रहे हैं इस टाइम, ये मतलब एनर्जेटिक, एक्टिव, मेंटली प्रिपेयर लग रहे हैं मुझे, और फिजिकली भी फिट लग रहे हैं, ठीक है। इनके कुछ बीमारी चल रही थी या हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो एंड होने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करते हैं, और ये आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे इनके बार बार नेगेटिविटी ये दिखती है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधाव महसूस करते हैं, इवन ये खुद अपने आप को बांध के चलते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे लग रहा है मुझे, ठीक है। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत अटैचमेंट ऐसे हैं जिनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, ठीक है। आपको आपके अप्रोच करने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपके पास कॉल करने के लिए इनको 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अटैच है, ठीक है। किसी ने कोई पास्ट ऐसे रिलेशनशिप हैं जहाँ पे इनको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन जिम्मेदारी है तो उठानी पड़ेगी, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। बार बार वही पैटर्न, बार बार वही चीज़ें, इनको बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता है वहाँ पे, और डेफिनेटली इनकी क्या एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इस अटैचमेंट से इनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में यही चलेगा, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आ सकती, इनको ऐसा अटैचमेंट है वहाँ पे। मतलब
जो भी है उससे दुखी हैं पर उस अटैचमेंट से जा नहीं सकते, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है। लेकिन जब कभी आपके बारे में सोचते हैं तो आपको एक दोस्त के रूप में ही सही, लेकिन जो भी मानते हैं आपको लवर तो मानते हैं डेफिनेटली, आप इनसे प्यार करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली, लेकिन इनकी इनकी इच्छा ये है कि डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपसे अटैच फील करते हैं और ये अटैचमेंट इनका कभी छूटेगा नहीं। मुझे यहाँ पर ये भी कहना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं आपको दोस्त से कहीं ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये इनके माइंड में एक चीज़ क्लियर है आपके लिए, ठीक है, कि आपके साथ इनको जो मैसेजेस आते हैं, मतलब जो गॉड डिवाइन जो भी कह लें, वो कोई ना कोई इनको ऐसी चीज़ें सजेस्ट करता है आपके लिए, जिस तरह की आपकी तरफ कोई पुल खींचना, आपकी तरफ कोई ड्रीम आना, आपको हमेशा ड्रीमिंग करना, मतलब इस तरह से इनको हमेशा से लगता है इनके बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इसके अलावा आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इनकी एनर्जीज थी है, ठीक है। अब इनके बारे आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं वो मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आज मुझे लग रहा है कि आप पानी से कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कोई गार्डन में पानी दे रहा है या लिटरली आप पानी के साथ बैठे हैं, कोई बाथरूम में लिटरली, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है, जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, इसका मतलब कोई गलत मत निकालिएगा, ठीक है। कोई ब्लू चीज़ आपके पास हो सकती है, येलो भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, सन की ऊर्जा, कुछ ना कुछ रिंग या गोल चीज़ आपके हाथ में या आसपास है, ठीक है, गोल चीज़ से आपके हाथ में, कोई कॉइन हो सकता है, कोई भी ऐसी गोल जिसमें रिंग बनती हो, इस तरह का कोई चीज़ आपके पास मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और डेफिनेटली आप उससे कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। और बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि आप या तो आपके हाथ में कुछ गोल चीज़ है या फिर आप पानी से कुछ कर रहे हैं, ठीक है, पानी के पास बैठे हैं, पानी दे रहे हैं किसी चीज़ को, मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी को हील कर रहा हो, जैसे कि पेड़ों में पानी देना, ठीक है, इस तरह से कोई काम, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। देखिए, इनके करंट एनर्जी में देखूं तो यहाँ किसी चीज़ का अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ कोई, मतलब आपसे चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो आपके रिलेशनशिप में जो कि अचानक हो, ठीक है, अचानक ही आपसे मिलना, एक्सक्यूज़ मी, अचानक ही आपको याद करते हैं, तो इनको लगता है कि अचानक आपकी मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनको लगने लगा है कि कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली कोई प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आप जिनके बारे में, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मिसिंग एनर्जी मुझे बहुत लग रही है, और डेफिनेटली इन दिनों या तो आपकी मीटिंग नहीं हो रही या फिर आपकी बातचीत होती है, तो बातचीत तो होती है लेकिन आप कुछ मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, वो मतलब जैसे कोई प्लानिंग फल नहीं रही, यानी कि आपकी जो एक्शन है वो काम नहीं कर रहे, रिलेशनशिप स्टक पड़ा है, जहाँ हैं वहीं हैं आप, ठीक है, बात कर लेते हैं आप लेकिन कहीं आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको कोई कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए ये कोई आपसे ऐसी ज़रूरी बात करना चाहते हैं जिसमें कमिटमेंट शामिल है, ठीक है। ये सन की ऊर्जा, जैसे कि मुझे बार बार लग रहा है कि सन की आकृति दिख रही है मुझे, ये कोई ना कोई क्लियरिटी आपको देने वाले हैं, आपके कनेक्शन में रीबर्थ करना चाहते हैं, ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए, तो चाहे जो भी सिचुएशन हो, इन्होंने पहले डर अपने मन में बना रखे थे आपके लिए, ठीक है, ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अब इनके माइंड में क्लियरिटी आ चुकी है कि डर के आगे जीत है, ठीक है। अगर खुशियाँ पानी है तो कोई अटैचमेंट से बाहर आना पड़ेगा, अपनी खुशियों के लिए कुछ ना कुछ आपको खुद को एक्शन लेना पड़ेगा, दूसरा नहीं लेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर तो काफ़ी कर चुके हैं, लेकिन अभी इनकी तरफ से देखना चाहते हो आप लोग भी, ठीक है, और ये उस चीज़ के लिए रेडी हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये आपके कनेक्शन का रीबर्थ चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपका और इनका भाग्य जुड़ा हुआ है, ये बात ये टेस्ट कर चुके हैं। टेस्ट से मतलब ये है कि इन्होंने कई बार नोटिस किया है कि जब भी आपसे बाहर दूर जाने की सोचते हैं या फिर आप इनको कट ऑफ करने की सोचते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होता है कि आप वापस से मिल जाते हैं, तो इनको ये लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी में हैं और ये चीज़ कोई भी मिटा नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पर आपको कोल्ड बिहेवियर हो, चाहे आपसे दूर चले जाएं, लेकिन आपको मिस किए बिना या आपको याद किए बिना नहीं रहते, आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आप दोनों ही, ठीक है। सिक्स नंबर आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन नंबर, फाइव नंबर, थ्री नंबर और कुछ कुछ के लिए सेवन और एट नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रांगली मुझे कोई लग रहा है वन और सिक्स नंबर की आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे डर के आगे जीत समझते हैं और डेफिनेटली आपको ये पूरी तरह आप पे निगाह रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये कोई ऐसा टाइम ढूंढना चाहते हैं जब ये आपसे खुल के अनएक्सपेक्टेड कोई मीटिंग कर सकें, ठीक है। मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत से लोग कई गले मोहल्ले में रहते हैं, आप एक दूसरे को रोज़ मिलते हैं, आपका वर्क प्लेस एक हो सकता है, ऐसा भी मुझे बहुत से लोगों का लग रहा है, या फिर कहीं भी आपके रास्ते में इनका घर आता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों का लग रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इनको दिखे जाते हो,
ये ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसा मौका मिले जब ये आपसे कहीं ना कहीं बैठ के बात कर पाए, ठीक है, या अभी भी यही प्लानिंग करके सोच रहे हैं कि आपसे कोई बात करनी है, इनको बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि बतानी है, आपको क्लियरिटी देनी है किसी चीज़ की, ठीक है, आपको ये ऑफ़र देना चाहते हैं, एक कमिटमेंट उसमें शामिल है, लेकिन बहुत बड़ा कमिटमेंट आप मत एक्सपेक्ट कीजिए इनसे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अटैच फील है करते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन या फोर्थ पार्टी सिचुएशन आप दोनों में हो सकती है, ठीक है, लेकिन सबके लिए नहीं, ठीक है, जैसा मैच करे उतना ही लीजिएगा, मैं हमेशा ये कहती हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है, एक कमिटमेंट ऐसा जिससे कि आपकी और इनकी जो बाउंडिंग है यानी कि जो कि फ्रेंडशिप है वो बहुत पुख्ता हो जाए, जैसे कहते हैं ना नींव सुदृढ़ करना, नींव को दृढ़ करना, पक्का करना नींव को। रिलेशनशिप में आपके और इनके एक सच्चाई और एक एक गहरा है, गहरे इमोशंस हैं आपके जो कि ये आपको बताना चाहते हैं, और इस वजह से आपके बहुत अटैच फील करते हैं। इन्होंने कई बार ये भी सोचा है कि आपको क्लियरिटी दे दे कि आपको बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन जो भी है आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े और आपके रिलेशनशिप को बेहतर किस तरह से बनाया जाए ये पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप किसी भी मुकाम पे हो, चाहे आप इनकी मदद चाहते हैं, चाहे आप अपने इंडिपेंडेंट हैं, कैसे भी तरीके से आप अगर इनको कभी बुलाओगे या फिर कभी आपको हेल्प की ज़रूरत हुई तो हमेशा आएंगे, ठीक है, ये ऐसे या आपके एक पार्टनर बनना चाहते हैं जो कि ना कि आपके लवर बल्कि दोस्त ज़्यादा होंगे, ठीक है, ये हर काम में आपका साथ देना चाहते हैं। तो नियरेस्ट फ्यूचर देख लेते हैं आप, क्योंकि मेरी कैंडल जलती जा रही है बहुत फास्टली तो मुझे लगता है कि आज आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कुछ खास बातें आपसे मिलती हैं कि नहीं, आपकी रीडिंग मिलती है कि नहीं। तो मुझे नियरेस्ट फ्यूचर में देखिए, मुझे ये लग रहा है कि एक आपके पास कोई ना कोई ऐसा ऑफर आने वाला है इनकी तरफ से जो कि आपको प्यार भरा, यानी कि डेट होने वाली है, इसमें मैं इंटीमेसी भी देख पा रही हूँ, इसमें मैं आपको इमोशनली बिल्कुल जो डिटैच हो रखे थे अभी तक वो आप इमोशनली बहुत इनसे गहराई से आप मिलने वाले हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। आपकी मीटिंग जो होगी बहुत इमोशनली बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, ठीक है, वो आपको हीलिंग प्रोसेस होगा आपका, ठीक है, बहुत दिन से अगर आप इनसे मिले नहीं हैं तो डेफिनेटली आपकी कोई ऐसी मीटिंग होने वाली है इनके साथ, ठीक है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इनको इमोशनली इमोशनली आप अपने आप को हील करते हुए देखेंगे, ठीक है, और वेंड की एनर्जी, वेंड जो होती है ना वेंड्स, मुझे बांसुरी, लिटरली कोई बांसुरी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, मैं जो मैसेज तो आ चुके मैं इसको रखूँगी, ठीक है, लिटरली कोई बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे, तो यानी कि कुछ ना कुछ इनकी इंट्यूशन बता रही है कि अब इनको कैसे, किस तरह से, कहाँ, कब, कैसे आपसे मिला जाए, ये चीज़ें स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्लानिंग बहुत चल रही है। ये नियरेस्ट फ्यूचर में क्या करने वाले हैं कि बहुत जल्द आपके लिए कोई ना कोई मीटिंग या कोई ना कोई डेट फिक्स करने वाले हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता आपकी डेट कैसे होती है, क्या होती है, आई डोंट नो, लेकिन इसमें आपकी बहुत प्रोसेस जो होगा हीलिंग का प्रोसेस होगा, यानी कि आप दोनों इमोशनली अपने आप को इतना फुलफिल रखेंगे जैसे कि आपको शायद जैसे बहुत दिन से नहाए नहीं हो और नहा लेते हैं तो कैसा लगता है अपन को, बहुत फ्रेश फील होता है ना, हल्का, उसी तरह से मैं यहाँ पे ऊर्जा देख रही हूँ, अगेन पानी से आप कुछ कर रहे हैं ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कोई बारिश आ रही है, जैसे कोई मौसम अचानक किसी जगह का चेंज हो गया, तो अगर आपके यहाँ पे चेंज हुआ है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है, ठीक है, अचानक धूप तेज है और अचानक बादल आ गए, इस तरह से मौसम आपका चेंज हो सकता है, मेरे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, इवन ये परमानेंटली नहीं है लेकिन रुक रुक के बादल आ रहे हैं ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके जो पार्टनर हैं बिल्कुल आपको बारिश में नहलाना चाहते हैं, डेफिनेटली नहलाने से मतलब ये कि एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, वो हीलिंग प्रोसेस आपका होने वाला है नियरेस्ट फ्यूचर में, ठीक है, नहलाने से मतलब बिल्कुल गलत सेंस मत लगाइएगा, ठीक है मेरे मुंह से निकला है, लेकिन ये जो डिवाइन मैसेजेस होते हैं ये किस तरह से, जैसे कोई बारिश दो लोगों पर गिर रही है इस तरह से मैं देख पा रही हूँ, तो मेरे जो मुँह से निकला वो उसी तरह से निकला, और मुझे नियरेस्ट फ्यूचर में क्या है कि आप दोनों की हीलिंग प्रोसेस, यानी कि जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कोई नहाता नहीं है उसके बाद जब हम दूसरे दिन भी नहाते तो बहुत फ्रेश फील होता है हमको, तो उसी तरह की एक लाइट वेट एनर्जी आपकी होगी, ठीक है, नियरेस्ट फ्यूचर आप दोनों का कनेक्शन एक रिट्रीट पे पहुंचे, यानी कि एक रीबर्थ होने वाला है आपके कनेक्शन का, और देखिए यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में समझ जाएंगे कि ये रिश्ता बहुत अनमोल है आपके लिए, ठीक है, चाहे कोई भी कंडीशन है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपका जो भी रिलेशनशिप है उसमें एक गहरापन, यानी कि देखिए यहाँ पे कितना डार्क कलर आया अगर आपको दिखाऊं तो मैं, ठीक है, मतलब वो गहराई आपके कनेक्शन में आएगी, ठीक है, मतलब आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली बहुत मतलब अटैच फील करेंगे एक दूसरे से। तो नियरेस्ट फ्यूचर में मुझे ये लग रहा है कि आपकी हीलिंग होने वाली है, मदर गाया, मदर गाया का नाम आया मुझे, ठीक है, मदर गाया यानी अर्थ एनर्जी के आप लोग हो सकते हैं,
तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग समय, जैसे कहते हैं ना कि जैसे मैंने बारिश का एग्जांपल दिया, उसको शायद आप लोग गलत समझ रहे होंगे, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कोई जब धरती पे प्यासी धरती होती है उस पर बारिश गिरती है तो क्या होता है, ग्रोथ होती है, नए पौधे, नई नई कलियाँ फूलती है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है लिटरली, कोई अगर आप एक दूसरे से इतने अटैच हैं कि आप एक बेबी को चाह रहे थे, तो वो बेबी का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग प्रेगनेंसी को पा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी मुझे नज़र आया। तो मैंने जिस तरह से एक बारिश, तेज बारिश आ रही है एक सूखी धरती पे और फिर हरियाली आती है, उस तरह का माहौल मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो बारिश का नाम बार बार मुझे आ रहा है, अगर आपके यहाँ पे बारिश है या फिर बारिश वाले बादल हैं तो डेफिनेटली आपको ये रीडिंग बहुत मैच होगी, ठीक है। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता रहे हैं कि आपके यहाँ पर कैसा मौसम है या रीडिंग में क्या मैच हुआ आपसे, ठीक है। तो मुझे आज जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में मैंने सब कुछ बताया क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और नियरेस्ट फ्यूचर में आपकी हीलिंग डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दो दो तीन तीन बार हीलिंग का प्रोसेस नज़र आया है, ठीक है। जैसे कि बारिश, धरती का एग्जांपल दिया मैंने, धरती पे बारिश गिर रही है, ठीक है, आप दोनों उसमें भीग रहे हैं, और इस तरह की हीलिंग जो होती है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। रीडिंग्स में ऐसे मैसेजेस आना, हरियाली और बारिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे जो दिमाग में आता है उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग प्लानिंग करेंगे नियरेस्ट फ्यूचर में, और मुझे आपकी हीलिंग प्रोसेस लग रहा है, कुछ लोगों की इंटिमेसी, कुछ लोगों की रीबर्थ, यानी कि आप बेबी को अगर चाहते थे तो बेबी होने वाला है किसी के, लिटरली कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली बेबी से संबंधित, ठीक है। इस तरह की मुझे आपकी प्रोसेसिंग या फिर इस तरह की आपकी हीलिंग प्रोसेस लग रहा है, ठीक है। तो किसी भी तरह से जो आप हील नहीं कर पा रहे थे वो हीलिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो नियरेस्ट फ्यूचर में ऐसा ही मुझे यहाँ पे दिखाई रहा है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या आपके यहाँ पे कैसा मौसम है, क्या आप इस रीडिंग से अटैच हैं, या क्या आप इमोशनली किसी से इतने ज़्यादा अटैच हो रहे हैं इन दिनों, या फिर आपने कोई डेट डिसाइड की, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल मेरे चैनल पे आप कोई भी सजेशन दे सकते हैं, मेरे रीडिंग्स में क्या कमी है वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपकी हर बात ज़रूर पढ़ती हूँ, ठीक है, चाहे मैं थोड़ा लेट पढ़ती हूँ पर ज़रूर पढ़ती हूँ, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में भर के लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, भर के मुझे मैसेजेस कीजिएगा, ठीक है। और आपका मन करे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन चाहिए होता है, ठीक है। जिस तरह आपको हीलिंग चाहिए थी, मुझे मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि मुझे प्रेरणा चाहिए आपके लिए, आप जब मुझे प्रेरित करते हैं तो मैं और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोज़ को देखते हैं और लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, मेरी मंथली रीडिंग बारी बारी से अपलोड हो रही है, वो भी चेक कर लीजिएगा, आपकी लव लाइफ और आपका प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। तो इसी के साथ अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, बाय बाय।